स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल MS स्टडी टॉक्स पर। तो झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2022 को लेकर JSSC ने एक आवश्यक सूचना रिलीज़ किया हुआ है और आप सभी को पता भी चल गया होगा, लेकिन इसकी दौड़ की जो तिथि है बहुत जल्द आ सकती है और आप लोग तैयार रहिए क्योंकि बहुत समय के बाद यहाँ पे उत्पाद सिपाही से रिलेटेड जो है अपडेट आया है, जिसमें यहाँ पे देखिए बहुत सारे जो है फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है और क्या कुछ है अपडेट, चलिए आपको एक एक पूरी डिटेल्स में बताते हैं। तो देखिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन संख्या 1/22 द्वारा झारखंड उत्पाद सिपाही की प्रतियोगिता प्राप्त जो कि 25/2/22 से 10/4/22 के मतदाता से प्राप्त किया गया है, इसमें जो है बहुत सारे फॉर्म जो है रद्द कर दी गई है जिसके लिए संबंधित आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे। और इसमें बता दिया गया है देखिए कि प्रारंभिक चरण को पूरा नहीं करने तथा परीक्षा शुल्क भुगतान नहीं करने वाले आवेदकों की आवेदन संख्या, यानी जिन्होंने परीक्षा प्रारंभिक चरण ही पूरा नहीं किया है यानी परीक्षा शुल्क भुगतान नहीं किया है, उनका यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है। इन सारे कैंडिडेट्स का यहाँ पर फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया है। और यहाँ पे अगर लास्ट बात की जाए तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोटे के अभ्यर्थियों द्वारा जो अपने आरक्षण कोटे को अनारक्षित अत्यंत पिछड़ वर्ग BC1, अनुसूचित 1, अनुसूचित 2 एवं आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों वर्ग में कोटे में संशोधित किए बिना परंतु अभ्यर्थी ने संशोधित कोटे के लिए अनुमानित परीक्षा शुल्क की अंतर्राष्ट्रीय का भुगतान नहीं करने वाले आवेदनों की कुल संख्या है 17। तो यहाँ पे क्या कुछ दिया हुआ है देखिए, एक मौका दिया गया है कि फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को अंतिम अवसर प्रदान करने हेतु दिनांक 21/7/22 से दिनांक 27/7/22 तक ऑनलाइन प्रविष्टि करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, यानी इस तिथि तक आप अपना फोटो और हस्ताक्षर अपलोड कर सकते हैं अगर आपने नहीं किए तो। ठीक है, तो इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट आप लोग ले लाते रहेंगे और बहुत जल्द आप लोग का दौड़ की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, तो अपडेट मिलता रहेगा, चैनल के साथ बने रहिएगा।